हेलो दोस्तों, पिस्टन पावर टॉर्क चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं KTM ड्यूक 390 का। तो देखिए इसका लुक किस तरीके से गाड़ी दिख रही है, बहुत ही शानदार कलर में अभी ये मॉडल आ चुका है। RC के मुकाबले ये बहुत ही मतलब लुक वाइज आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया बाइक दिख रही है। ये देखिए इसका हैंडल बार वगैरह और फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है, और उसकी कीमत जो है वो 3,60,000 तक ऑन रोड प्राइस इसकी चली जाती है। 20 से 15 हज़ार से प्राइस में इंक्रीज हो चुका है। शॉक ऑब्जर में आपको एक रिंग दिख रही होगी रेड कलर की, USD शॉक ऑब्जर है फ्रंट में और एक रिंग है नीचे को। तो अपेक्स शॉक ऑब्जर आते हैं, दोनों साइड में आपको रिंग दिख रही होगी, मतलब शॉक ऑब्जर कितना अंदर जाता है वो दिखाने के लिए, वो चेक करने के लिए वो रिंग लगाई हुई रहती है। आप एक शॉक ऑब्जर मतलब कि आपकी जो भी कंफर्ट आपको जैसा चलाने में चाहिए कि सस्पेंशन हार्ड या फिर कॉम्प्रेशन, और एक साइड में रेड और एक साइड में वाइट रहता है, तो हम मैं दिखाऊंगा वो। इसकी जो टैंक कैपेसिटी वो 15 लीटर की है और ये कुछ की टैंक के उधर दिया है, ऑन करने के बाद ये कुछ ऐसे इस तरीके से न्यूट्रल लाइट, RPM मीटर, पेट्रोल का बाजू में शो हो रहा है, जो ब्लिंक हो रहा है वो पेट्रोल का है। ये हज़ार्ड का बटन है, हज़ार्ड लाइट भी इसमें अभी आ रही है। इसकी इंजन की बात करें तो 390cc इंजन है इसका, लिक्विड कूल 6 स्पीड गेयरबॉक्स के साथ, और ये इंजन 46 PS पावर जनरेट करती है। अभी इसकी ये हेडलाइट है और जो DRL है वो की ऑन करने के बाद चालू होते हैं, जो आपको नाइट में अच्छे से दिखेंगे। दिन में अगर आपने चालू किया तो उतने वो दिखने वाले नहीं है, लेकिन रात में बहुत ही अच्छा उसका लुक आता है। तो पावर की बात करते हैं कि उसमें 46 PS की पावर जनरेट होती है और 39 Nm का टॉर्क। उसका बोर साइज जो इंक्रीज़ किया है उसकी वजह से पावर भी इंक्रीज़ हो चुकी है पुराने KTM के मुकाबले। और ये उसकी चासिस है, एल्यूमिनियम की चासिस है, और उसके अपोजिट साइड में आपको कूलेंट का भी, कूलेंट लेवल वगैरह कूलेंट फील करने का इसके अपोजिट साइड में देखने को मिलेगा। स्टैंड गेयरबॉक्स वगैरह है इसका, और टैंक कैपेसिटी इसकी 15 लीटर की है। ये कुछ पीछे से ऐसे दिखती है, सीट के अंदर कुछ ज़्यादा जगह नहीं है, मैंने खोल के देखी है, कुछ रखने के लिए कुछ जगह नहीं है रियर सीट के अंदर। एक कुछ इसका अभी साउंड आप सुन रहे हैं, इसका एग्जॉस्ट है अंदर वाली दिया हुआ है, और ये देखिए इधर ऑयल दिख रहा होगा आपको। बहुत ही मज़ा आया इसका आवाज़ सुन के, बहुत बढ़िया आवाज़ है दोस्तों इसका। और ये कुछ इसकी की है, की में भी बदलाव किए हैं, देखिए इसका ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, और एग्जॉस्ट, और ये देखिए ये जो है नॉब, एक साइड में रेड आपको दिखेगा वहाँ से आपका रिबाउंड कहते हैं उसको, और एक साइड में कॉम्प्रेशन। तो ये परचेस करते समय ज़रा इसकी जानकारी ले लेना कि किस तरीके से वर्किंग होता है, और सर्विसिंग में उसमें सर्विसिंग के टाइम उसको क्या किया जाता है, और ये सेटिंग तो अपने हिसाब से आप उन्हें एडजस्ट करते हैं अपने कम्फर्ट लेवल से, स्पोर्ट्स वगैरह। और ये एडजस्टेबल लीवर आते हैं दोनों भी, ये ब्रेक लीवर है ये भी एडजस्टेबल है,
और क्लच लीवर या एडजस्टिंग नॉब है यहाँ पे दिया हुआ। देखिए ये अभी नंबर प्लेट वगैरह फ्रंट में लगा सकते, लगाने के लिए जगह है, और ये इसका एडजस्टेबल है लीवर का। देखिए लीवर कैसे अंदर जा रहा है, जैसे मैं नॉब को घुमा रहा हूँ। और ये स्विचेस में उसका कंट्रोल्स है पूरे दिए हुए। इस सीट में भी थोड़ा यहाँ पे बदलाव किया है, ऑरेंज कलर दिया हुआ है सीट को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।